Assalamualaikum friends, मैं आरिफ खान हूं और आप देख रहे हैं ओशन लाइन पाकिस्तान। दोस्तों आज की वीडियो में हम जो न्यू फिश कीपर्स हैं, जो न्यू हॉबिस्ट हैं, उनको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि लो टेक प्लांट्स, हाई टेक प्लांट्स और ये जो एक हवा चली गई है मिड टेक प्लांट्स के हवाले से, ये असल में इनमें क्या फर्क होता है और आया मिड टेक प्लांट्स जो है वो रियल में एग्जिस्ट करते भी है कि नहीं करते। तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। ऐसे तमाम प्लांट्स, ऐसे तमाम पौधे जो कि विदाउट CO2, यानी कि CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, विदाउट CO2 जो है वो आपके लाइव प्लांटेड सेटअप के अंदर जो है वो सक्सेसफुली कामयाबी से ग्रो कर रहे हो, इन तमाम प्लांट्स को लो टेक प्लांट्स कहा जाता है। यानी कि ऐसे पौधे जिनको कार्बन डाइऑक्साइड की जो है जरूरत नहीं है और उनके लिए इतनी ज्यादा अहम नहीं है CO2, तो वो उसके बावजूद जो है आपके एक्वेरियम के अंदर जो है वो कामयाबी से जो है ग्रो कर रहे हैं, हेल्दी हैं। ऐसे तमाम प्लांट्स जो है वो लो टेक प्लांट्स कहलाए जाते हैं। दूसरी तरफ बात करते हैं हम हाई टेक प्लांट्स के हवाले से। हाई टेक प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो आपके लाइव प्लांटेड सेटअप के अंदर लगाए जाते हैं और उनको CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की उनको जरूरत होती है। वो CO2 के बगैर जो है वो चल नहीं सकते, वो CO2 के बगैर जो है वो जिंदा नहीं रह सकते। CO2 के बगैर जो है वो प्लांट जो है वो मुरझा जाएंगे या वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे तमाम प्लांट्स जिनके लिए CO2 जो है वो नेसेसरी होती है, जरूरी होती है, वो प्लांट्स जो है वो हाई टेक प्लांट्स जो है वो कहलाते हैं। अब इधर बात आ जाती है मिड टेक प्लांट्स के हवाले से। बहुत यानी कि एक इंटरनेट की एक कॉमन टर्म है मिड टेक प्लांट्स। अच्छा फ्रेंड्स, अब बात यह है कि लोगों ने, ये कुछ लोगों ने मिड टेक की जो टर्म है ये अपनी तरफ से जो है इजाद कर ली है। बेसिकली ये एक इंटरनेट टर्म जो है वो फरोख पा गई है और लोग समझते हैं कि वाकई कोई मिड टेक जो है, मिड टेक प्लांट्स वो भी कोई टर्म होती है। होता है इस तरह से कि इस तरह के तमाम लोगों के नजदीक जो है जो कि मिड टेक प्लांट्स को डिफाइन करते हैं, वो ये कहते हैं कि ऐसे तमाम प्लांट्स जो कि आपके यानी कि विदाउट CO2 जो है, विदाउट CO2 भी ग्रो कर जाए और CO2 लगाने के बाद उनकी जो पोजीशन है यानी कि उनकी जो ग्रोथ है और उनकी जो सेहत है प्लांट्स की वो और ज्यादा अच्छी हो जाए CO2 लगाने से, ऐसे तमाम प्लांट्स जो है वो मिड टेक प्लांट्स कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, उसमें एक बात है कि जाहिर है आप इस चीज पे गौर करेंगे, जो लो टेक प्लांट्स है वो आपके जो है लो टेक सेटअप के अंदर, लो टेक प्लांटेड सेटअप के अंदर वो लो टेक प्लांट्स कामयाबी से चल रहे हैं। उनको आपने, आप उनको उन सबस्ट्रेट के तौर पे आपने एक्वा सॉइल बिछाई दी है या सिलिका सैंड है या कोई भी नेचुरल रिवर सैंड आपने बिछाई दी है और उसमें आपने लो टेक प्लांट्स लगाए हुए और आप फर्टिलाइजर अच्छी वाली दे रहे हैं और जो उनको जो लाइट होती है, जो एक्वेरियम लाइट होती है वो अच्छी वाली दे रहे हैं और वो ग्रो कर रहे हैं, तो ऐसे तमाम प्लांट्स ऑब्वियसली वो लो टेक के जिम्मे में आएंगे। और अगर आप उसी सेटअप के अंदर अगर आप जो है CO2 लगा देते हैं, CO2 इंस्टॉल कर देते हैं, उसका इक्विपमेंट लगा देते हैं, तो उससे वो प्लांट्स ज्यादा तेजी से ग्रो करेंगे, ज्यादा जल्दी हेल्दी होंगे, हेल्थ पकड़ेंगे, तो ऑब्वियसली वो आपके जो है ऐसे प्लांट जो है वो आपके हाईटेक में भी चलेंगे, हाईटेक सेटअप के अंदर भी चलेंगे। हाईटेक सेटअप वही सेटअप होता है ना जिसके अंदर आपने CO2 लगाई है, तो आप जो है वो या तो डिफाइन करेंगे जी ये लो टेक प्लांट्स हैं, ठीक है, लो टेक प्लांट्स ये हैं कि ये विदाउट CO2 जो है चल पड़ेंगे, ये विदाउट CO2 ग्रो करेंगे, ये लो टेक हो गए। और हाई टेक जो हो गए उसमें ऑब्वियसली CO2 जो होती है वो नेसेसरी होती है। तो ये बेसिकली दो जो है, दो टाइप्स होती है, दो किस्में होती है, इसमें से तीसरी जो है वो किस्म निकालना मिड टेक प्लांट्स के हवाले से, एक तीसरी किस्म या तीसरी टर्म निकालना, ये एटलीस्ट हमारी जो है वो समझ से तो बाहर आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं जी के एक्वेरियम कुछ ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि जी मिड टेक प्लांट्स भी होते हैं, तो लेकिन हमारे नजदीक पर्सनली हम इसको या तो हम इसको दो टर्म्स में डिवाइड करते हैं, दो चीजों में इसको डिवाइड करते हैं, लो टेक प्लांट्स और हाई टेक प्लांट्स। तो ये दो डेफिनेशन आपको दे दी। और फ्रेंड्स, आप लोगों को ये बताते चले कि आपने कोई भी सेटअप लगाना हो, चाहे लो टेक प्लांटेड एक्वेरियम हो या हाई टेक प्लांटेड एक्वेरियम हो, उसमें जो नेसेसरी चीजें होती हैं, जो सबसे जरूरी चीजें होती हैं, वो आपकी होती है एक्वा सॉइल। अगर आप एक्वा सॉइल नहीं इस्तेमाल कर सकते किसी भी वजह से,
तो आपके पास सिलिका सैंड जो है, सिलिका सैंड हो या फिर आपके पास नेचुरल रिवर सैंड हो, जो कुदरती दरियाओं की, नदियों की जो कुदरती सैंड होती है वो बहुत बेस्ट रहती है प्लांट्स को ग्रो करवाने में। प्लांट्स अच्छे ग्रो होते हैं, हेल्दी रहते हैं। अगर आप एक्वा सॉइल नहीं इस्तेमाल कर सकते फिर आप नेचुरल रिवर सैंड जो है वो सब्सट्रेट के तौर पे इस्तेमाल करें। उसके बाद ये होता है कि आपके पास चॉइस होती है कि अगर आपने सैंड बिछाई भी है तो सैंड के ऊपर अगर बहुत सारे लोग जो है वो ब्लैक ग्रिट जो होती है वो डालना पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो व्हाइट सैंड जो होती है व्हाइट सैंड ऊपर डालना पसंद करते हैं, तो वो आपकी अपनी चॉइस है कि नीचे आपके पास इस तरह की सैंड मौजूद हो जो वो प्लांट्स को ग्रो करवाए, प्लांट्स की जो जड़ें हैं उनको हेल्दी रखे और उनको मजबूत रखे। ऐसी जो सैंड है वो आपके पास बॉटम में होनी चाहिए। सैंड और एक्वा सॉइल दोनों आप यूज कर सकते हैं प्लांट्स को ग्रो करवाने के लिए और उनकी जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, उनको हेल्दी रखने के लिए और मजबूत रखने के लिए। उसके ऊपर आपके पास चॉइस आ जाती है कि आप ब्लैक ग्रिट सैंड का इस्तेमाल करें या व्हाइट सैंड का इस्तेमाल करें या सिलिका सैंड का इस्तेमाल करें, वो आपके ऑप्शन है आपके पास। अच्छा फ्रेंड, दूसरी जो इंतहाई जरूरी चीज होती है वो होती है आपकी अच्छी लाइट, क्योंकि प्लांट्स जो नेचर में प्लांट्स होते हैं, जो कुदरती माहौल में जो प्लांट्स होते हैं वो उनको ग्रो करने के लिए, उनको ग्रो होने के लिए उनको सनलाइट की जरूरत होती है। सनलाइट पे पड़ती है तो प्लांट्स ग्रो करते हैं। सनलाइट जो है वो एक अहम जूस है, एक अहम यानी कि अहमियत रखता है प्लांट्स को ग्रो कराने में। लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास एक जो सेटअप है, एक जो आर्टिफिशियल सेटअप है प्लांटेड एक्वेरियम का, उसके अंदर तो जाहिर है कि सनलाइट हम नहीं डाल सकते, तो हम जो है आर्टिफिशियल तौर पे जो है यानी कि आर्टिफिशियल मेथड्स को यूज करते हुए हम जो है कोई भी एक्वेरियम लाइट ऊपर जला लेते हैं, यानी कि कोई एलईडी लाइट जला लेते हैं, कोई एलईडी बल्ब लगा लेते हैं। अब उसमें भी बहुत सारे जो फिश कीपर्स होते हैं उनके पास इतना बजट नहीं होता कि वो महंगी महंगी इंपोर्टेड लाइट्स खरीदें जो स्पेशली प्लांटेड एक्वेरियम के लिए लाइट्स बनाई जाती हैं फुल स्पेक्ट्रम के साथ, जिसमें व्हाइट, रेड, ब्लू, पिंक ये कलर्स मौजूद होते हैं, फुल स्पेक्ट्रम वाली लाइट्स। जो ऐसे फिश कीपर्स जो इतनी महंगी लाइट्स जो कि प्लांटेड एक्वेरियम के लिए खासतौर पर बनाई जाती हो और प्रोफेशनल लेवल के ऊपर जो है यूज की जाती हो, वो अफोर्ड नहीं कर सकते खरीदना, तो फिर उनके पास ये ऑप्शन होती है कि वो कोई भी जो है यानी कि एलईडी बल्ब लेके, अच्छे एलईडी बल्ब जिसमें फिलिप्स के होंगे या किसी और कंपनी के अच्छे बल्ब होंगे, उनको जो है वो प्लांट्स को जो है वो लाइट फराहम करने के लिए, प्लांट्स को लाइट देने के लिए वो एलईडी बल्ब का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आपको जो है आपको ये स्क्रीन पे नजर आ जाएगा कि जो है हमने एक यानी कि आप समझ लेंगे इसको देसी तरीका कह लें या इसको जुगाड़ कह लें कि हमने किस तरह से जो है ये एक पाइप का फ्रेम बनाया है, पाइप का फ्रेम बनाया बिल्कुल 2 फुट एक्वेरियम के साइज के लिहाज से, और फिर उसके अंदर से हमने वायरिंग की है, बिजली की वायरिंग की है। अब वो जो ये जो पाइप का फ्रेम है ये 2 फुट एक्वेरियम के लिए बनाया गया है, ये 2 फुट एक्वेरियम की जो उसके जो शीशे की जो मोटाई है उसके मुताबिक ये उसके ऊपर कंप्लीटली एडजस्ट हो जाता है। इसके अंदर वायरिंग की गई है, 3 होल्डर लटकाई है और उसमें आपकी मर्जी है आप 2 LED bulbs जलाएं या 3 LED bulbs जलाएं, ये आपके पास ऑप्शन है। तो इस तरह से भी आप जो है वो यानी कि अगर आपका बजट कम है तो आप जो है इस तरह से भी ये तैयार करके अपने फिश एक्वेरियम के ऊपर जो है वो आप लगा सकते हैं, जिससे आपके प्लांट्स को लाइट भी मिलेगी, लाइट मिलने से वो ग्रो करेंगे और जो आपका पर्पज होगा वो भी पूरा हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा फर्क ये आ जाता है, फर्क जो पड़ता है वो ये होता है कि जो प्रोफेशनल जो लाइट्स होती है, जो प्रोफेशनल लाइट्स होती है वो WRGB होती है, तो उसमें यानी कि व्हाइट, रेड, ग्रीन, ब्लू तमाम कलर्स होते हैं, तो वो फुल स्पेक्ट्रम लाइट्स होती है। जाहिर है वो एक खास पर्पस के लिए बनाई जाती है, प्लांटेड सेटअप के लिए बनाई जाती है, तो वो उसमें जो ग्रोथ होती है उसकी तो और ही बात होती है, यानी वो और ज्यादा बेहतर जो है प्लांट्स ग्रो करते हैं। लेकिन ये जो तरीकेकार जो हमने आपको बताया है इसमें भी आपके प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर जाएंगे। अच्छा फ्रेंड्स, नेक्स्ट उसके अलावा जो है हम बात करते हैं कि फर्टिलाइजर। आपका चाहे लो टेक प्लांटेड एक्वेरियम है चाहे आपका हाई टेक प्लांटेड एक्वेरियम है, फर्टिलाइजर जो होती है लिक्विड फर्टिलाइजर वो इंतहाई जरूरी होती है किसी भी प्लांटेड सेटअप के लिए। लिक्विड फर्टिलाइजर अब बहुत सारी कंपनीज बना रही हैं, जिसमें ADA जो अमेरिकन कंपनी है, ADA के फर्टिलाइजर और ADA की एक्वा सॉइल, इसके अलावा ADA पावर सैंड भी बनाती है, तो ये तमाम ADA की प्रोडक्ट्स जो है पाकिस्तान में एक्सपेंसिव है, महंगी है, लेकिन ADA के रिजल्ट्स जो है
वो इंतहाई जबरदस्त है, इंतहाई अच्छे रिजल्ट है। आप एडीए की पावर सेट इस्तेमाल करके देख लें, आप एडीए की एक्वा स्मेल इस्तेमाल करके देख लें, आप एडीए की फर्टिलाइजर इस्तेमाल करके देख लें, बहुत जबरदस्त ब्रिलियंट रिजल्ट होते हैं एडीए इस्तेमाल करके। लेकिन जाहिर है अब शौक तो हर किसी का है, लेकिन जो एक्सपेंस है वो कोई कोई जो बंदा है वो बर्दाश्त कर सकता है। तो अगर आप ऑब्वियसली जो है वो एडीए की जो फर्टिलाइजर होती है वो आप नहीं अफोर्ड कर सकते, वो महंगी है, तो आपके पास एपीटी की भी ऑप्शन है। एपीटी की वैसे पाकिस्तान में अब आके काफी कॉस्टली हो गई है, महंगी होती जा रही है एपीटी की फर्टिलाइजर। तो उसके अलावा आप जो है और बहुत सारी कंपनीज हैं जिनकी बड़ी अच्छी अच्छी फर्टिलाइजर जो है आ रही है, लो कॉस्ट में कम कीमत में अच्छी फर्टिलाइजर आपको किसी भी फिश एक्वेरियम शॉप से जो है वो मिल जाएगी। तो हमने बात की कि आपका कोई भी सेटअप हो, चाहे लो टेक है या हाईटेक सेटअप है, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट जो जरूरी चीजें हैं प्लांट्स को कामयाबी से ग्रो करवाने के लिए वो है एक्वा सॉइल, या उसकी जगह अगर आप नेचुरल रिवर सैंड यूज कर रहे हैं, या आप जिसे सॉइल कहते हैं गार्डनिंग सॉइल, भल जिसे कहा जाता है, भल भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादातर एक्सपर्ट बंदे यूज करते हैं भल, क्योंकि भल को टैंक में बिछाने का और उसके ऊपर सबस्ट्रेट बिछाने का एक तरीकेकार होता है, क्योंकि भल अगर थोड़ी सी भी यानी कि जो आपने सबस्ट्रेट ऊपर बिछाएंगे अगर भल थोड़ी सी भी बाहर निकला है तो वो आपके पूरे टैंक के पानी को आलूदा कर देती है, पूरे टैंक के पानी को गंदा कर देती है। तो वो भल को और उसके ऊपर सबस्ट्रेट जो है कोई सैंड हो गई या कोई जो है ग्रेविल हो गई उसको बिछाने का एक तरीकेकार होता है। वो ज्यादातर भल जो है वो ज्यादातर जो एक्सपर्ट हॉबीज होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो हम बात कर रहे थे जरूरी चीजों की, एक्वा सॉइल या सैंड। नंबर टू पे आपके पास आ जाती है फर्टिलाइजर, लिक्विड फर्टिलाइजर। नंबर थ्री पे आपके पास आ जाती है अच्छी लाइट, एक अच्छी लाइट जिसमें आपके प्लांट जो है वो हेल्दी ग्रो करें। चौथे नंबर पे आ जाती है वाटर कंडीशन। वाटर कंडीशन अब क्या है, वाटर कंडीशन ऐसा होता है कि बहुत सारे इलाकों में जो है वो सरकारी पानी आता है जो कि ऑलरेडी कंटेमिनेटेड होता है, गंदा होता है, उसमें मुख्तलिफ जो है मुख्तलिफ ऐसी चीजें शामिल होती हैं पानी के अंदर जिससे आपके जो लाइव प्लांटेड सेटअप है वो बुरी तरह मुतासिर होता है। आपके प्लांट्स जो है वो हेल्दी ग्रो होने की बजाय आपके प्लांट्स डल रहते हैं या वो खराब होना शुरू हो जाते हैं, गलने सड़ने शुरू हो जाते हैं। तो आपका जो वाटर है वो इंतहाई अहम किरदार अदा करता है आपके प्लांटेड सेटअप को जो है सक्सेसफुली चलाने में। उसके बाद जो पांचवी चीज आती है हमारे पास वो आ जाती है फ्रेंड्स आपका अच्छा बायोमीडिया और आपकी अच्छी जो है वो एक्वेरियम फिल्टर। यानी कि बायोमीडिया और एक्वेरियम फिल्टर ये दोनों भी इंतहाई इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं आपके प्लांटेड सेटअप के जो एक इकोसिस्टम बना हुआ है उसको कामयाबी से चलाने में और उसको बरकरार रखने में। अगर आप जो है वो अच्छा फिल्टर यूज नहीं कर रहे, आपका फिल्टर जो है वो प्रॉपर नहीं है, तो उसमें ये कि ना तो आपके प्लांट्स इतना ग्रो करेंगे और आपकी फिश जो होगी वो डिस्टर्ब रहेगी। हमने बहुत सारे ऐसे फिश कीपर्स भी देखे जिनको नो हाउ नहीं थी, मालूमात नहीं थी कि प्लांटेड टैंक के अंदर जो है कौन सा जो है वो फिल्टर लगाना चाहिए, तो उन्होंने जी इंटरनल फिल्टर जिसे पावर हेड फिल्टर कहते हैं वो इंस्टॉल कर लिया। अब आप बताएं कि इंटरनल फिल्टर जो होता है, जो पावर हेड फिल्टर होता है, उसमें जो वो जो पावर हेड होता है उसके पानी का फ्लो इतना ज्यादा होता है कि उससे जो मछलियां होती है प्लांटेड एक्वेरियम की जो मछलियां होती हैं वो भी उसके फ्लो से डिस्टर्ब होती हैं और प्लांट्स भी जो है वो भी खराब हो रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स जो आपके जो प्लांटेड सेटअप होते हैं उनमें आपका कैनिस्टर फिल्टर अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कैनिस्टर फिल्टर ऑब्वियसली महंगे हैं, अगर आप अफोर्ड करते हैं कर सकते हैं तो कैनिस्टर फिल्टर का यूज करें आप। उसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 15-20 हजार से वो शुरू हो जाते हैं और 40-50 हजार तक जाते हैं उनकी कीमत कैनिस्टर फिल्टर की। अगर आप वो नहीं अफोर्ड कर सकते तो आपके पास फिर हैंग ऑन बैग फिल्टर आ जाते हैं। हैंग ऑन बैग फिल्टर जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और बड़े कामयाब रहते हैं प्लांटेड सेटअप के लिए। लेकिन हैंग ऑन बैग फिल्टर जो है वो 2-3 फुट तक के एक्वेरियम जो है जिनकी 2 फुट या 3 फुट लंबाई है उनके लिए हैंग ऑन बैग फिल्टर जो है वो बहुत कामयाब रहते हैं। अगर 3 फुट से बड़ा आपका एक्वेरियम है तो फिर आपको कैनिस्टर फिल्टर लगाने की जो है वो जरूरत पड़ जाती है। उसके अलावा जो बायो फिल्टर होता है जिसे स्पंज फिल्टर भी कहा जाता है वो भी जो है आप अपने प्लांटेड एक्वेरियम सेटअप में जो है लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपका जो फिल्टर है वो अच्छा होना चाहिए और आपका बायोमीडिया अच्छा होना चाहिए, यानी कि सेरेमिक रिंग्स जो बायो रिंग्स होते हैं वो आप अच्छी क्वालिटी के अच्छी ब्रांडेड कंपनी के कोशिश करें कि ब्रांडेड कंपनी के अच्छे वाले बायो रिंग्स जो है आप इस्तेमाल करें। उसके अलावा स्पंज आपका अच्छा हो, स्पंज में पीपीआई का जो है वो यानी कि डिफरेंशिएट होता है,
पीपीआई यानी के पोर्स पर इंच, पोर्स पर इंच जो यानी के उस आपके पास जो स्पंज होते हैं वो बहुत ज्यादा यानी के जिसको कहते हैं बहुत ज्यादा पोरस भी होते हैं, जिसमें पोर्स जो है सुराख जो है स्पंज के अंदर वो बड़े बड़े होते हैं, मोटे मोटे होते हैं। उसमें ऐसा होता है कि जो मछलियों का जो भारी वेस्ट मटेरियल होता है, जो मोटा वेस्ट मटेरियल होता है, वो ऐसे स्पंज में समा जाता है, जिनके पोर्स जो होते हैं, जो उसमें जो सुराख होते हैं स्पंज में, वो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन उसमें जो बारीक वेस्ट मटेरियल होता है वो पास ऑन हो जाता है। जो दूसरा स्पंज होता है, जो दूसरा स्पंज होता है उसमें जो पोर्स होते हैं, पोर्स पर इंच, उसमें जो पोर्स होते हैं वो आपस में बहुत ज्यादा एक दूसरे के क्लोज होते हैं, पोर्स एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए होते हैं और पोर्स की तादाद ज्यादा होती है, यानी कि वो जो स्पंज में जो सुराख होते हैं उनकी तादाद ज्यादा होती है। इस तरह का जो स्पंज होता है जिसके अंदर पोर्स ज्यादा हो और आपस में एक दूसरे के बहुत करीब हो, उसमें मछलियों का बारीक से बारीक वेस्ट मटीरियल जो होता है वो भी उसमें रुक जाता है, फंस जाता है और पानी जो है वो फिल्टर होके निकलता है। तो ये जो है स्पंज आपके पास जो है वो डिपेंड कर रहा होता है कि आप कितनी हाई या कितनी लो पीपीआई के जो है आप स्पंज जो है वो यूज कर रहे हैं। उसके अलावा एक्टिवेटेड कार्बन, एक्टिवेटेड कार्बन जो है वो आपके एक्वेरियम के पानी में जो हल्की हल्की पिलाहट सी आ जाती है उस पिलाहट को खत्म करता है, एक्वेरियम के जो पानी होता है उसमें किसी किस्म की स्मेल जो होती है उस स्मेल को खत्म करता है। उसके अलावा आपके पास फिर लावा रॉक्स आ जाती है, ये तमाम चीजें जो होती है ये बायोमीडिया का काम अंजाम देती है, जिसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया यानी कि ऐसा बैक्टीरिया जो मछलियों के लिए इंतहाई मुफीद है, जो मछलियों के लिए फायदेमंद है, जिनके बलबूते पे आपकी मछलियां जो है एक्वेरियम के पानी के अंदर सर्वाइव कर रही हैं, ऐसे बैक्टीरिया को बेनिफिशियल बैक्टीरिया कहा जाता है। और बायोमीडिया जो है वो अहम किरदार अदा करता है इस तरह के जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है उसको पैदा करने में और उसको पनपने में, यानी कि बैक्टीरिया को कल्चर होने में, ये तमाम बायोमीडिया जो है वो इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। और इसी की वजह से आपकी फिश जो है वो हेल्दी भी रहती है, स्ट्रॉन्ग भी रहती है और लंबी लाइफ जीती है। तो फ्रेंड्स एट दी एंड जो है हम आपको वो हमारे बहुत ही अच्छे प्यार मोहब्बत करने वाले फ्रेंड है, उनसे हमने कुछ प्लांट्स मंगवाए थे, उन्होंने हमें रावलपिंडी से प्लांट्स भेजे, बड़े हेल्दी प्लांट्स हैं। एक्चुअली हमने अभी तक जो है वो हाईटेक सेटअप जो कि CO2 वाला होता है वो हमने अभी तक नहीं बनाया, हमने अभी तक नहीं चलाया। तो हमारे पास जो है इस वक्त लो टेक प्लांटेड एक्वेरियम जिसमें तमाम लो टेक प्लांट्स लगे हुए हैं वो हमारे पास इस वक्त रनिंग पोजीशन में है। तो उसके लिए जो है हमारे फ्रेंड ने जो है कुछ हमें जो है वो प्लांट्स जो है वो भेजे, तो वो प्लांट्स आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें ना एक्चुअली ये इसी तरह शॉपर बंद पड़ा हुआ था और मैंने इसको खोल के सेपरेट नहीं किया, उन्होंने हमें ना सिंगल शॉपर में 2-3 किस्म के प्लांट्स डाल दिए हैं। इसमें एक जो है वो तो हमारे पास है लुडविजिया रेपन्स उसको कहते हैं, लो टेक में भी चल जाता था और ऑब्वियसली हाईटेक में तो चलता ही है। उसके अलावा हमें उन्होंने भेजा है एमेजोन सोर्ड जो है वो आपको दिखाते हैं, वो ये है, दिस इज कॉल्ड एमेजोन सॉर्ड, ये आप देख सकते हैं, ये इंतहाई खूबसूरत प्लांट है, लो टेक में आपका ये कामयाबी से चल जाता है। तो ये उन्होंने हमें भेजा है। और उसके अलावा ये हमें उन्होंने हाइड्रोफिलिया भेजा उन्होंने, और उसके अलावा जो लुडविजिया रेपन्स है रेड वाला वो उन्होंने हमें भेजा है, लुडविजिया रेपन्स इस प्लांट को कहते हैं, हमने ये अभी खोला है, आपके सामने पैकेट खोला है, ये उन्होंने हमें भेजा है और विद रूट्स भेजा है। तो ये इंतहाई खूबसूरत प्लांट है, लुडविजिया रेपन्स रेड में आता है, इसके जो होते हैं वो जो पेटल्स जो लीव्स होते हैं लीव्स इसके रेड होते हैं, और अगर आपकी अच्छी लाइट है एलईडी लाइट अच्छी है फुल स्पेक्ट्रम वाली है तो ये लीव जो है बहुत डार्क रेड हो जाते हैं, तो क्योंकि लाइट प्रॉपर देंगे तो इसके लीव जो है जो इसके पत्ते हैं वो डार्क रेड हो जाएंगे, बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो उसके अलावा ये प्लांट्स उन्होंने भेजे हमें, डिफरेंट प्लांट्स हमें सेंड किए हैं, तो ये हमारे बहुत ही इंतहाई प्यार मोहब्बत करने वाले भाई हैं। अगर आप में से किसी को जो है वो एक्वेटिक प्लांट्स चाहिए तो आप हमारी वीडियो के नीचे जो है कमेंट बॉक्स के अंदर हमें आप मेंशन करें, तो हम जो है उनका आपको नाम और उनका जो नंबर है वो हम लिख देंगे, आप उनसे रब्ता करके जो है ये प्लांट्स ऑनलाइन जो है अपने घर पे आप डिलीवरी करवा सकते हैं। तो इनके पास लो टेक भी प्लांट्स होते हैं, हाई टेक भी प्लांट्स होते हैं।
तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आज की वीडियो तमाम हमारे फिश हॉबीज को पसंद आई होगी। नेक्स्ट किसी टॉपिक के लिए इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।